ਐਸਏ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਕੇਸ ਆ 35 ਕੇਸ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਟ ਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ 35 ਜਾਂ 34 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਇਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਯੈਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਐਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे बढ़ते क्राइम की, अपराधियों को आखिरकार पुलिस का या कानून का खौफ क्यों नहीं रहा है। दो दिन पहले पंजाब पुलिस के दो ASI की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, बाद में पता चलता है वे एक नामी गैंगस्टर जयपाल है। अब पुलिस उसकी तलाश के लिए लगातार छापे मार रही है। ये कोई एक वाकया नहीं हुआ, यहाँ पर हर रोज पुलिस की ओर से कई ऐसे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है जिनके ऊपर कई कई गंभीर मामले दर्ज हैं, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं। जैसे वह जेल से बाहर आते हैं फिर अपराध की दुनिया से जुड़ जाते हैं। क्या हमारी जेलें सुधार ग्रह ना होकर आपराधिक गतिविधियों का अड्डा केंद्र बनकर रह गई हैं? जेलों में लगातार मोबाइल बरामद हो रहे हैं, वहां से ऑपरेट किए जा रहे हैं, गैंगस्टर अपने हर काम को वहां पर बैठकर अंजाम दे रहे हैं, ऐसे कई आरोप कई बार लगते रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पूर्व IPS अधिकारी सुखदेव सिंह छीना, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्राइम लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्यों अपराधियों को खौफ नहीं रहा किसी कानून का, क्या कभी इन पर लगाम लग पाएगी या नहीं। छीना साहब सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल छीना साहब। देखो देखने जा रहा है कि अपराध हर बारी सरकार भी कहनी है अपराध लगामपन है गैंगस्टर पहले पुलिस तुसी उस टाइम से सीगे पुलिस जदों अतवाद पर काबू पाया गया गैंगस्टर नाम दे दिता गया है। क्या एक गैंगस्टर ये इन्ने पावरफुल हो गए ने कि इन्हों के उपर कानून का सरकार का या पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया? देखो गल है जी, क्राइम नू रोकण वास्ते एक जिहड़ा सिस्टम है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम उहदे विच जिहड़े डिपार्टमेंट आउंदे ने उहनां सारिआं नू जोड़ के गल कीती जावे ते तां ही आपां किसे सिट्टे ते पहुँच सकदे हां। मिसाल दे तौर ते तुसीं अतवाद दे टाइम दी गल कीती ते तुसीं देखिआ होगा उस टाइम ते पुलिस नू स्पैशल पावरस मिलीआं सी, लेकिन जिस तरीके नाल उदों अतवाद नू कंट्रोल कीता गया उसका जड़ा एट प्रेजेंट साडा कानून आ जड़ा कि का एट प्रेजेंट जो हुण कानून आ वो क्राइम नू कंट्रोल भी करन दे विच ना काफ़ी आउटडेटेड और वो कानून उन्हां लोकां नू अज भी कचहरियां च घसीट रहा जिन्हां ने उदों क्राइम नू कंट्रोल कीता सी। और उदों भी कहा जाता सी जिवें मिसाल दे तौर पर जे आपां साडी साइकी जिहड़ी आ साडे समाज दी, लेकिन अज दा जिहड़ा समाज आ वो इंस्टेंट रिलीफ चाहुंदा एक तुहानूं मैं एक ही मिसाल देना। हैदराबाद दे विच एक डॉक्टर का रेप करके मर्डर होया सी जी, और उहदे चार जिहड़े दोषी सी उहनां नूं पुलिस ने एनकाउंटर करता सी जी। उस तों अगले दिन समुचे भारत की पुलिस ते फुल्लां दी वरखा होण लग पई सी जी। इह साइकी, लेकिन कानून अनुसार इह गलत आ, कानून अनुसार उह कार्रवाई गलत आ, लेकिन लोक की चाहुंदे, लोक इंस्टेंट रिलीफ चाहुंदे आ। इंस्टेंट रिलीफ देण दी कोई प्रोविजन नहीं हैगी, कोई प्रोविजन नहीं हैगी। एक आम आदमी जिहड़ा हैगा उहनूं कोर्ट में जाके इंसाफ तां उह लैण दे काम नहीं, जो कुछ उहना खर्चा आउंदा उहदे इह उहना इंसाफ लैण दे उह बेर नहीं कर सकदा। सो इस करके उह एक देखिया जावे, अज भी मैं महसूस करदा कोई 40% आबादी ऐसी होएगी
जिहड़ी कदी जिहड़ी उन्होंने कुछ कोर्ट नहीं देखी उन्हां नूं लीव पुलिस ही देंदी है। लेकिन पुलिस दे विच जदों इमानदारी नाल सख्ती हुंदी सी क्राइम कंट्रोल सीगा, लेकिन जदों उत्तों उन्हां ते प्रेशर पिया, पोलिटिकल दखलअंदाजी शुरू हो गई, करप्शन आ गई विच, उदों तो फिर वो जिहड़ा उन्हां दा एग्जैक्टिव एक्शन सी ना वो लोग बर्दाश्त नहीं करदे। अज दा जिहड़ा नागरिक आ, अज दा जिहड़ा समाज, वो अपनियां ड्यूटीज़ बारे बिल्कुल इग्नोरेंट आ, राइट्स बारे पूरा विजिलेंट आ। वो राइट कहिंदा वी उहदा अज दा जिहड़ा क्रिमिनल आ वह भी क्राइम करता है, लेकिन जो तुम फर्ज करो जिस तरह तुम कहने हो एस आई का मर्डर होया तो उन्होंने हम जोड़ा जोड़ा कहने का नजरिया है कि उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी, कार्रवाई उन्होंने जोड़ा को उन्होंने पिछले 40 केस है 35 केस है जो कोर्ट फड़े जाते कोर्ट च अदालत जाती उन्होंने वो चौ 35 या 34 केसों का कोई हवाला नहीं होना। वो तो सिर्फ ए एट प्रेजेंट ये खिलाफ़ की हैगा एक्शन, एट प्रेजेंट इन्हें की किया उत्थे किहो जिहा रोल सीगा उहदे अनुसार उहदी अगली कार्रवाई होनी। क्योंकि इस वेले जे देखिए तो जिहड़ियां कोर्ट दीआं सजावां ने, कोर्ट दीआं सजावां दा अज दे क्रिमिनल नूं कोई डर नहीं हैगा, और पुलिस सिर्फ गिरफ्तार करके उन्हें इनवैसटीगेट करके इहनूं प्रोसीक्यूट करके कोर्ट जा जेल 'च भेज सकदी है। लेकिन उस गल दा क्रिमिनल ते उदों डर सीगा, क्रिमिनल नूं उदों डर सीगा जदों लोक उहनूं हेट करदे सी, और असीं चंगी तरह पता समाज नूं करे जांदे सी, यस बे समाज 'च उहनूं अपनी सोशल गैदरिंग दे विच ही बुलाउंदे नहीं सी। सोशल गैदरिंग दे विच असी जिहड़ा भी जिहनूं पुलिस ने गिरफ्तार किया जिहड़ा सजा जाता है उन्होंने गैदरिंग च नहीं बुलाउंदे भी लोग की कहणगे भी इहो जिहे बंदे किहो जिहे बंदे इहनां नूं जिहड़ी साइकी बदल गई है अज अज इहनां नूं हार पा के नहीं ऑनर करदे मतलब उच्चा सब तो उच्चा यस अज अज जिहड़ा जेल चों बाहर आउंदा उहनूं हार पा के ऑनर करदे आ। तो छिन्ना साहब देखण च आया देखो पुलिस काफ़ी गैंगस्टर लोगों नूं अपराधी पकड़दी, कल भी पुलिस ने एक गैंगस्टर इत्थों फड़िया है उहदे उपर 14-15 मामले पहले दर्ज सीगा, फिर वो जांदा है उहनूं जमानत मिल जाती है वह आके फिर क्राइम करन लग जांदा, क्या साडियां जेलां जिहड़ियां वह सुधार घर की जगह अपराधी की कहिंदे उहनूं ट्रेन करन वाली अपराधी नूं ट्रेन करन वाली जगह बन चुकी हुई है। देखो गल इह है वी इत्थे जिद्दर इस वेले जिद्दर मैं तुहानूं पहलां दस चुक्किआ ह्यूमन राइट्स बारे पूरा विजिलेंट है, क्रिमिनल जिहड़ा उह तां बहुत ज़्यादा विजिलेंट है, दूसरे नूं भावें होवे ना होवे उहनूं पता है भी जे मैं जेल 'च वी जांदा तां उत्थे मेरे राइट्स की ने, वो सारा मैनुअल पढ़ के जाता मेरा कि उत्थे करना उन्हें उत्थे जेड़े जेड़े पहले बॉस बैठे ने पहला जेल के अंदर वो सारा खर्चा बेयर करते उन्हों का, और उतों जे कि बाहर उन्होंने मौका नहीं मिलता अपने हम ख्याल तलाश कर जेल चुना मिल जाते हैं उत्थे होर पक्का गैंग बन के बाहर आते हैं। सब आम तौर पर देखा जाए भी सरकार कोई भी आ जाए हूँ कांग्रेस सरकार जो नवी नवी आई सी इन्होंने कहा अं जैमर लावे कोई ऑपरेट नहीं होगा, बट उस तरह ही जेलों के उस तरह ही फोन कॉल्स होंगे उस तरह ही फोन फड़े जा रहे हैं लगातार पकड़े जा रहे हैं, कोई सख्त एक्शन सिर्फ ये लोगों को दसिया जाता है कि असी बहुत गंभीर हैं। अकाली सरकार से उदों लीडर से आरोप लगते थे भी इन्हों के गैंगस्टर संबंध है, हुण कांग्रेस सरकार है इन्हों के कुछ मंत्रियों के आरोप लगते हैं कि इन्हों के गैंगस्टर के नाल संबंध है, ये कितना सच है? ऐसे साड़ियाँ बहुत सारिया प्रॉब्लम साड़िया सारिया बहुत सारिया प्रॉब्लम का कारण है अज की वोट बैंक की राजनीति, उन्होंने वोट चाहिए आ, क्राइम हों कुछ हों वोट चाहिए आ, वोट बैंक की राजनीति करके सारे असी आ दुख जड़े आ चल रहे, मतलब वोट बैंक ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, यस यस मुफ्तखोरी लिया के यस एक वो भी एक बड़ा वड्डा कारण है। बिल्कुल तुम ए करो जो तुम घर बैठे बंदे सबसिडी दे जाने आप जाने वो खुददारी खत्म कर रहे हैं, तुम रुजगार दो उन्होंने कसियारा ना बनाओ मंगता ना बनाओ उन्होंने एक खुददार बंदा बनाओ ताकि जे एक खुददार बंदा अद्धी रोटी खा के भी परमात्मा का शुक्रगुजार होगा तो जिहड़ा एक खुददार बंदा नहीं है कसियारा है उन्हें कुछ तो ही दे जाओ वो भी थोड़ा वो बैगर हो तो बैगर बन गया ना यस भिखारी बन गया वो बैगर। तो छिन्ना साहब क्या देखो जिवें कानून नू इन्होंने अपना अपने हिसाब न इंप्लीमेंट करना शुरू करता ऐसे कई कानून ने कई लॉ ने जिहड़े आजादी तो भी पहले बने ने, क्या तुसी समझते हो क्योंकि तुसी बहुत लंबा समा पुलिस सर्विस की है भी कुछ कानूनों की लोड़ है नू बदलन की लोड़ है ताकि अपराध एक कॉमन मैन नू की चाहिए, कॉमन मैन चाहता मैं सिक्योरिटी लाइफ अपनी सिक्योर लाइफ जीना चाहता, मोस्ट ऑफ द पीपल्स वो इस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, बट कुछ लोगों ने पिछले कैप्टन साहब के कई जगह बोर्ड तुसी भी लगे देखे होने इन्होंने कहता भी करीब करीब 3500 गैंगस्टर गिरफ्तार कर लाए पूरे पंजाब जो 3500 गैंगस्टर गिरफ्तार कर ले 117 हल्किया जो तो एक एक किन्ने गैंगस्टर होए भी इन्हों लोगों ने पूरा माशरा खराब किया है। वैसे मैं तुम्हें उही कहना भी वोट बैंक की राजनीति ने सारा कुछ गड़बड़ की हुई है,
ये मतलब इन केस असी हर चीज़ जी सियानी सियासी ऐनक ला के देखते हैं, लोग हित में देख नहीं देखते दे। लोग हित में मुख रख के नहीं असं देखते दे। असी सियासी हित देखते हैं कि हम ये मेरी सियासी ताकत जी बनती है, मैं बरकरार रह सकता। उस नज़रिए असी देखते दे हैं लोग हित की जो गल करिए, सारिया पार्टियां जो देखिए जितना आप वेखते हैं हर सैशन बाई सैशन तीन देखते हैं क्रिमिनल जोड़ा है अपना अपना असैम्बलिया भी पार्लीमेंट के भी क्रिमिनल का जो वाधा हो जाता है 200+। फिर असं किमें उम्मीद कर सकते हैं कि इतों जी लोग हित वाली जी पॉलिसीज बन के आनगियां उन्होंने अज का जो देखिए मैं कहना हर चीज़ जी पैसे ना अज तो ए महसूस हो रहा भी पैसे के जोर से साड़िया असैम्बलिया सैलियां जी पार्लीमेंट हैगी चलन रही है तो उत्थे लोग हित वाली जो गल नहीं आती तो उत्थे सारे अं परेशान होवेंगे, सानू दुख सारे झलने पैणगे इहो जिहा सिस्टम अंटल अनलैस दे विच साडे जिहड़ा क्योंकि जे देखिया जाए जो कुछ दे साडे एग्जैक्टिव हैगा उन्हें ही अगे अपना सारिया नू ताकत देनी है, उन्हें ही अगे ताकत देनी है। शिना साहब इह किन्ना सच है भी हर अपराधी दे पिछे जां उहनू उहदे पिछे कोई गलत काम हुंदा उहदे पिछे लीडर दा नाम लग जांदा है, कितें गलत उसारी हुंदी है, कितें इलीगल जिन्हों निर्माण कहने वो होंगे, कोई क्राइम होंगे, किसी क्रिमिनल पकड़ दी है पुलिस 10 बंदे फोन आ जाते हैं, ये कि सच है ये बारे कोई दो राय नहीं। जिन्हें भी क्रिमिनल है कोई ना कोई पिछे ऐसी ताकत होंगी है जी कि जो अपना कोई अपना कानून का शिकंजा कसया जाता वो मदद करती है, ये बारे कोई दो राय नहीं। जे ये पिछे कोई ताकत ना हो तो कर ही नहीं सकता, वो पिछे ताकत होंगी। सब पंजाब के मुद्दे हो ही रहेंगे, तुम देखो अकाली असी सुनते सी अकाली भाजपा सरकार सी रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, नशा, ये सारी चीज़ों बड़ा उदों जो 2016 जो इलेक्शन होने से सब मुद्दे भी बने से, मुद्दे तो उत्थे दा उत्थे ही है। सरकार फिर नवीं विधानसभा चुनाव फिर नेड़े ने। वैसे देखो मैं ये गल दो जो कुछ तुसीं कह रहे हो ये बारे कोई दो राय नहीं। साडा जो मैं महसूस करदा है कि काफ़ी देर बाद जिहड़ा साडा किसान अंदोलन है उन्हें नवे समीकरण दिते है और जिस तरीके नाल वो चलिया है जिस तरीके नाल साफ सुथरी जी उन्हां दी छवी दे करके लोगों की सपोर्ट उन्होंने मिली है, इन्हें साडे पोलीटिकल सर्कल दे विच वी इहदे समीकरण जरूर इहदा असर सानू नज़र आएगा और लोग हुण इन्ने जागरूक हो गए आने वाले इलैक्शनां दे विच लोग उन्होंने पुछणगे लाजमी क्वेश्चन करनगे और उत्थे जिस तरह उन्होंने अपने एक साफ छवि के नाल हर वर्ग की उन्होंने सपोर्ट ली है जिहड़ी कि उन्होंने इन्नी उम्मीद नहीं सी लेकिन उन्होंने साफ छवि करके हर वर्ग की सपोर्ट मिली है। इस तरह जे कि हर साडा जिहड़ा पोलीटिकल लीडर है वह भी यह सोच लेवे अपना साफ सुथरा नहीं। असी जदों ये ताकत कर रहे हैं मिसाल के तौर पर जो देखा जाए जदों असी बहुत छोटे सी तो उदों जिहड़े बंदे अपना पोलीटिकल बंदे से जिन्हों का सोशल सर्कल के बहुत सर्विस की अगे आए थे हौली हौली उन्होंने नाल जिन्ह बंद को नाल लठमार से उन्हों की ताकत सुनी गई वो फिर लठमार वाले तो फिर जो लठमार से उन्हें सोचा भी मेरे करके ये ताकत ले रहा फिर लठमार सीधा आप ही आ गया और सीधा लठमार ही आ गया साड़ी अपना मोहरे अगे आ गया। हाँ सीना साहब देखो दो पुलिस वालों मार दिता जाता है ASI पूरी पुलिस हूँ उन्होंने इनाम भी घोषित कर दिता है भी इन्होंने क्या पुलिस वास्ते भी एक संकेत ने भी पुलिस को भी समझना चाहिए भी लीडर के पिछे लग के जे तुम गलत काम कर रहे हो अंजाम की है अपराधी ताकतवर हो रहे हैं वह अंजाम की है। देखो गल मैं तुम पहला आप जिद जे पंजाब का अतवाद खत्म हो सकता है वह उन्होंने खत्म इसे पुलिस ने किया बारों तो कोई आई नहीं सी। हाँ बाहर सारी पुलिस फेल हो गई बल्कि जे एक फेल हो गई सी जी और लेकिन चूंकि उन्हें जो आते ना सा प्रेस ने लगाया जी फलाना एरिया कमांडर जी फलाना जिला कमांडर जी तो पंजाब पुलिस ने पता है तो कुकड़ियाँ चोरी करने वाला कोई साइकिल चोरी करने वाला से जिन्होंने कमांडर बने फिरते हैं उन्होंने जो मतलब इन इसे पुलिस ने जो उन्होंने पता लग गया कि उन्होंने सपोर्ट हैगी हूँ चूंकि क्रिमिनल जोड़ा है मैं तुम दस क्रिमिनल एस आउटडेटेड साड़ा कानून है क्रिमिनल जो कुछ वो सोच है जे वो अनुसार ही उन्होंने अगों जवाब नहीं मिलता उन्हें चेर क्राइम नहीं रुकता उन्हें चेर क्राइम जवाब यस उन्हें चेर रुकता नहीं है। मैं नवे कहना जे कानून के दायरे अंदर रह के फट के जेल च भेज दो उतों होर तकड़ा होकर आऊगा नहीं मैं साहब देखो तुम जिम्मे क्या जुडिशियल जो सिस्टम है साड़ा वो काफ़ी पुराना हो चुका है जरा तो क्या साढ़े लीडर जिन्हों को सारी बागडोर है जिन्होंने कानून बनाने ने इन्हों सूट करता
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਕਰ ਵੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹੀ, ਲੋਕ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਜ੍ਹਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਓਰ ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਗੇ ਸੋਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬੰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਭਾਲਦੇ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਭਾਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ, ਉਹ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਯੈਸ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ SHO ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਾਲੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਰੇਪ ਕੀ ਕਹੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕਹੋ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਆ ਥਾ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਏ ਹੈ, ਕਈਓ ਕੋ ਸਲਾਖੋਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ
खराब हो चुका है, हमारे नेतागण और एक नेक्सस जो बन गया है वो टूटेगा नहीं जब तक लोगों को तब तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जो सिस्टम जो पुराने एक अपराधी के ऊपर 40-40 मामले हैं, कानून को भी ये सोचना होगा। अगर वो नहीं सोचता तो हमारे नेता जो अपने लिए तो कानून बनाते हैं, अपनी आप तो खुद तो वो 6-6 भत्ते वेतन ले रहे हैं, अगर एक कोई 4 बार विधायक है 4 वेतन ले लेता है, ये यूनानिमसली हाथ उठा के सारे कानून पास कर देते हैं जो इनके फायदे में है, लेकिन जो जनता के फायदे में है उसका ध्यान कौन रखेगा? इनको सोचना चाहिए, अगर जनता है जिस पर वो राज कर रहे हैं, यहाँ से यूथ बाहर को जा रहा है, अगर जनता ही नहीं रहेगी तो फिर वो उस पर किस पर राज किस पर करेंगे? हमारा मकसद था लोगों को ये बताना कि आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और नेताओं से ये सवाल करना होगा कि आज पिछले चुनावों में तेरी संपत्ति 1 करोड़ थी और तुम्हारे पास ऐसे क्या जादुई छड़ी लग गई कि वो संपत्ति बढ़कर 50 करोड़ 100 करोड़ हो जाती है। जब तक हम ये नहीं पूछेंगे तब तक हमें न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और एक अच्छे समाज की भी शायद कल्पना नहीं हो सकती है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।